आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में 30वां वार्षिक उत्सव ज्ञान ज्योति पर्व वेद और गीता ज्ञान कथा एवं 51 हवन कुंडी विशाल महायज्ञ 11 मार्च से 17 मार्च तक बड़ी ही श्रद्धा भाव से आयोजित करवाया जा रहा है, जिसके चौथे दिन आचार्य विष्णु मित्र विद्यार्थी ने मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन किया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय वैदिक भजनोपदेशक दिनेश पथिक ने अपने भजनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान भजन गायक सोनू भारती ने भी अपने भजनों के माध्यम से माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस मौके पर जसविंदर कालिया एवं उषा कालिया, वेद कुमार भाटिया, जगदीश भाटिया, सुनीता भाटिया, डिंपल भाटिया, आर्य सत्यदेव मोहन एवं संगीता मोहन ने मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित होकर हवन यज्ञ में आहुतियां डालकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान गुरुकुल करतारपुर से आए हुए ब्रह्मचारियों द्वारा विधि पूर्वक मंत्रों उच्चारण कर हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस अवसर पर प्रधान रंजीत आर्य, कोषाध्यक्ष भूपेंद्र उपाध्याय, महामंत्री हर्ष लखनपाल, ओम मल्होत्रा, सुरेंद्र खन्ना, जसविंदर कालिया, सुनीत भाटिया, संदीप अरोड़ा, अनिल कोहली, कुबेर शर्मा, गौरव आर्य, राजीव शर्मा, नवीन चावला, अनिल भसीन, सुभाष आर्य, दीपक सूरी, डॉक्टर राजेश सेठ, डॉक्टर सुदेश चौधरी, सुनील विज, बैजनाथ आर्य, अमन आर्य, ललित मोहन कालिया, विनोद तिवारी, पवन महाजन, गीतिका अरोड़ा, डिंपल भाटिया, प्रवीण लखनपाल और केदारनाथ शर्मा सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। उसके लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रयत्न तो पहले हो चुका है। योगी बनने के लिए, ऋषि बनने के लिए, अब बन गए तो अब तो योग्यता आ गई, अपने आप चमकता है। और ऐसे चमकता है जैसे किसी गहरे तालाब के नीचे से, अरे बोलो किससे, बहुत गहरे तालाब से नीचे से निकल के कभी ऊपर आकर मछली चमक गई, कभी मेंढक चमक गया, कभी मगरमच्छ चमक गया। ऐसे नाना घटनाएं, नाना बातें जब बुद्धि की गहरी गुफा में से नीचे से निकल कर चमकती हैं, तो योगी कहता है, जैसे सरोवर के किनारे खड़ा हुआ व्यक्ति कहता है, मगरमच्छ के चेहरा दिखाते ही आ गया, क्या गया, मगरमच्छ आ गया। ऐसे ही योगी कहता आ गया, यास्काचार्य के शब्दों में कहता है, अभ्यानर्षद, मुझे बुद्धि की गहरी गुफा में से भगवान की कृपा से कुछ निकला हुआ चमक गया। आज इस प्रकार आपने जो विषय लिया है, बहुत ही हमें प्रेरणादायक था। और जिस प्रकार आपने उपमाएं दी है, बहुत ही अद्भुत ज्ञान आप दे रहे हैं हमें। हम समय लेने की देर है, संध्या की बात करते हैं, संध्या करना रद्द मन में बुराइयां रख के कभी आपकी संध्या ध्यान नहीं लग सकता।
समय कहते हैं किसी से कहने से संध्या कर भी उसका कोई लाभ नहीं। बड़े बड़े लोग देखे हैं संध्या करते हैं, भगवान राम का भी नाम लेते हैं, क्योंकि अब शरीर की बात की उन्होंने, आत्मा की बात कह दी, लेकिन हम विचार नहीं करते वो कब तक है।